नमस्कार, स्वागत है बीबांदी कुकिंग में। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे अंडे की भुर्जी, जो एगिटेरियन है अक्सर बनाते हैं अंडे की भुर्जी और बहुत पसंद करते हैं और शायद रोज़ ही बनाते हैं या अल्टरनेट डेज में बनाते हैं। अंडे की भुर्जी बनाएंगे, वो भी ढाबा स्टाइल में, शाही अंदाज में, बहुत ही स्वादिष्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं शाही अंदाज में अंडे की भुर्जी बनाना। अंडे की भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले पैन को गर्म करेंगे और उसमें मक्खन डालेंगे, साथ में कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऐसा करने से मक्खन जो जलता नहीं है। जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें जीरा डालेंगे और जीरे को हम शैलो फ्राई करेंगे। जब अच्छे से ये गोल्डन हो जाए, भुन जाए जीरा, तब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा हम शैलो फ्राई करेंगे। साथ ही हम कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे और फ्लेम को थोड़ा तेज कर लेंगे, मीडियम हाई कर लेंगे। और इसको जब ये कलर चेंज हो जाए, इस तरह पिंक कलर हो जाए, तब एक चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को भी भूनेंगे, इसे 2-3 मिनट के लिए बेसन को भूनेंगे। इतने में बेसन बढ़िया भून जाएगा, बेसन से बहुत बढ़िया स्वाद आता है अंडे की भुर्जी में। हल्दी डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे या कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्दी को थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद कटा हुआ टमाटर डालेंगे, कटा हुआ टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डालेंगे, टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं पानी डालने से, इसको नमी और मॉइस्चर मिलता है। और इसको ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में टमाटर पक जाएगा बहुत अच्छे से, थोड़ा सा फिर हम इसको अच्छे से चलाएंगे। और जब तक ये थोड़ा और ड्राई हो रहा है टमाटर का पानी, हम 4 अंडों को बड़े वाले बॉल में इस तरह से तोड़ लेंगे। सारे अंडों को तोड़ने के बाद हम इसमें 2 इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, काली मिर्च मोटी पीसी हुई और साथ में नमक। बीटर की मदद से या फॉक की मदद से इस तरह से हम अंडों को फेंटेंगे। अंडों को फेंटने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे और काली मिर्च मोटी पीसी हुई डालेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। जो जो हमने टमाटर और प्याज की मसाला तैयार करा है, उस मसाले में ये डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे, बहुत ही जल्दी ये अंडे की भुर्जी बन जाएगी हमारी। जब अंडे की भुर्जी का सारा पानी सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, ऊपर से हम धनिया काट के डालेंगे, हरा धनिया, इसको भी मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर 2 अंडों को इस तरह से ऐसे डाल देंगे और इसके ऊपर 2 अंडे जो हमने कच्चे अंडे डाले, इसके ऊपर थोड़ा नमक और काली मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम इसको ढक देंगे लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट में। बहुत बढ़िया ये दोनों अंडे पक जाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारी एक नए तरीके से अंडे की भुर्जी, वो भी आमलेट के कॉम्बिनेशन के साथ बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करना, बहुत स्वादिष्ट और बहुत आसान रेसिपी है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना आपकी अंडे की भुर्जी, जो शाही अंडे की भुर्जी, कैसी बनी। ढाबा स्टाइल अंडे की भुर्जी बनकर तैयार है। आप अंडे की भुर्जी कैसे बनाते हैं, अपनी रेसिपी मेरे को शेयर करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और आपके अंडे की भुर्जी बहुत अच्छी बने तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी करना। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।